लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रेम की होली। वाचन समीर गोस्वामी का है। मित्रों, कहानी का सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के निरंतर अनुरोध पर हम अपने चैनल पर शीघ्र लेकर आ रहे हैं प्रेमचंद के अलावा अन्य लेखकों की लिखी कहानियों का वाचन। इस कारण से हम अपने चैनल का नाम शीघ्र बदलकर करने जा रहे हैं कहानी सुनो.com। ये नाम सामान्यतः आपकी डिवाइस पर स्वतः ही बदल जाएगा, लेकिन यदि किसी कारणवश भविष्य में आपको हमारी कहानी मिलना बंद हो जाए तो कहानी सुनो.com को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए हमारे नए चैनल का नाम कहानी सुनो.com। तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रेम की होली का, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गंगी का 17वां साल था, पर वो 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूं। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं, फिर वो क्यों रोए और कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी दुकानों और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी, किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पाथना उसका नित्य का नियम था। तब वो अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर। सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर घुड़कियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वो उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थीं उनकी ओर उसका मन ही न जाता था, उसके लिए उसका अस्तित्व ही ना था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें ना थीं, डरावनी गरज ना थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियां पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूँ? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया, वो पकवान बनाती रही, उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए, ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे, गांव में यही परस्पर व्यवहार है। मैकू महतो ने भंग बनवा रखी थी, चरस गांजा माजू सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी, मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वो हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह हो ना बेटे, या चुहल करते, क्यों री गंगिया, भावज तुझे खाना नहीं देती क्या, जितनी दुबली हो गई है। गंगिया हंस कर रह जाती, देह क्या उसके बस की थी, न जाने क्यों वो मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगी अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था, कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा, वो ना गई। एक बार गई भी तो जल्दी लौट आई, उसका ध्यान उसी गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींचे लेती थी, बांधे लेती थी। जवान ठाकुर भी गंगिया की ओर देखता और मस्त हो कर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को ये सिद्धि कहाँ मिल गई। वो लोग विदा हुए तो गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे, उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा। गंगी, यहाँ तो पहले पहल आया है। मैकू, हाँ, और तो कभी नहीं देखा, मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली है, घमंड तो छू नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने को जगह ना थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते, वही इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे थे। गंगी पगहिया लेने भीतर चली गई, वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए, एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा है। वो गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई,
घर में कोई मर्द न था, सब बाहर चले गए थे। ये कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी, उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगीर की रोएं खड़े हो गए। वो दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा वो ठाकुर जा रहे हैं, गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था। वो फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे, आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी, उसमें क्या जादू था, क्या मोहनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा, गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा, ये वो नहीं जानती, पर वो दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी, स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मैकू द्वार पर बैठे सन कात रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वो कुछ बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या। गरीब, नहीं तो दादा। मैकू, कुछ मुंह उतरा हुआ है क्या, सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए। गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। मैकू, बाकी दे दी ना। गरीब, हाँ दादा सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला, भैया हो तो कह देना चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू, अब की घर ही तमाकू बनी है, स्वाद देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेअदब ना बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं हुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूं। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खींची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति न थी। ओह कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को ला। गंगी चौंक उठी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांझा, उसमें थोड़ी सी राब डाली, फिर लोटा गिलास मांझकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया। गंगी, वो है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देते। माँ, है क्यों नहीं, हाड़ी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा, गंगी ने सिर झुका लिया। ये संकोच उसमें कहाँ से आ गया। ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या। मैकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है, दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने सकुचाते हैं, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ, अब वो बेफिक्री कहाँ है बेटी, बाप के ज़माने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करते हो। मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वो कठोर उत्तर और दादा के मुंह से, हाय दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उनका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब कि वो आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वो आते होंगे, पर ठाकुर ना आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग चरस गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया, व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी को पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती कभी बाहर आती।
भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची? कोठार वाले आवेंगे तो क्या पियेंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे? सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वो मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई ना आता था। सहसा उसे उसी सिवानी की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। ये क्या, वहां आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहां पंडितों ने आज होली जलाने की सायत बताई, तभी वो लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली जली है। मैकू, दुत पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी, दुत पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख आई हूं, होली जल रही है। न पते आते हो तो चलो मैं दिखा दूं। मैकू, अच्छा चल देखूं। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। एक मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली कि नहीं, तुम न मानते थे? मैकू, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू मैं तो कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही। कुछ खबर ना रही मैं कौन हूं कहाँ हूं। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा, क्या उसे वो भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रेम की होली। वाचन समीर गोस्वामी का था।